दोस्तों पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार जीत को लखनऊ सुपर जायंट्स को हुआ पॉजिटिव में बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, बदल गया टाटा आईपीएल 2023 का पूरा पॉजिटिव बताएंगे हमारे इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 का 38वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच मोहाली स्टेडियम में हुआ, जहाँ पंजाब सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग करना चुना। बैटिंग करने आई लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से काइल मेयर्स ने 54 रन की पारी खेली, वहीं मार्कस स्टोइनिस ने 72 रन बनाए और निकोलस पूरन ने मात्र 19 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली। वहीं कागिसो वाडा ने भी 2 विकेट लिए और लियम लिविंगस्टोन ने भी 1 विकेट लिया। इसके चलते लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 257 रन का एक विशाल स्कोर रख दिया। वहीं जवाब में पंजाब सुपर किंग्स की ओर से अथर्व ताड़े ने 66 रन की पारी खेली, वहीं सिकंदर रजा ने भी 36 रन बनाए और जीतित शर्मा ने भी 24 रन की पारी खेली। वहीं इसके चलते यश ठाकुर ने अपने 4 ओवरों में 4 विकेट लिए, नवीन ने भी 3 विकेट लिए और रवि बिश्नोई ने भी 2 विकेट लिए। इसके चलते लखनऊ सुपर जायंट्स 56 रन के बड़े अंतराल से जीत गई। आइए दोस्तों जानते हैं टाटा आईपीएल 2023 का क्या है पूरा पॉइंट टेबल। भाई पहले नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 8 मुकाबले खेलकर 5वीं जीत हासिल की और 3 में हार के साथ 10 पॉइंट अर्जित किए। दूसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 8 मुकाबले खेलकर 5वीं जीत हासिल की और 3 में हार के साथ 10 पॉइंट अर्जित किए। तीसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 5वीं जीत हासिल की और 2 में हार के साथ 10 पॉइंट अर्जित किए। वहीं चौथे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 8 मुकाबले खेलकर 5वीं जीत हासिल की और 3 में हार के साथ 10 पॉइंट अर्जित किए हैं। पांचवें नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 8 मुकाबले खेलकर 4वीं जीत हासिल की और 4 में हार के साथ 8 पॉइंट अर्जित किए हैं। छठवें नंबर पर पंजाब टीम ने 8 मुकाबले खेलकर 4वीं जीत हासिल की और 4 में हार के साथ 8 पॉइंट अर्जित किए हैं। सातवें नंबर पर केकेआर टीम ने 8 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की और 5 में हार के साथ 6 पॉइंट अर्जित किए। वहीं आठवें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की और 4 में हार के साथ 6 पॉइंट अर्जित किए। नौवें नंबर पर एसआरएच की टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 2 में जीत हासिल की और 5 में हार के साथ 4 पॉइंट अर्जित किए। वहीं दसवां नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 2 में जीत हासिल की और 5 में हार के साथ 4 पॉइंट अर्जित किए। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।